गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अभिनय सिंह तोमर और आज हम केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो पढ़ने वाले हैं। भाई आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। इससे क्वेश्चन जरूर बनता है और इसमें मतलब ऐसे तथ्य भी आपको मिलेंगे जिनसे बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें भाई। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें भाई। और देखेंगे, देखो इस वीडियो में हम मुख्य रूप से क्या पढ़ने वाले हैं। देखो पढ़ने से पहले आप एक मिनट वीडियो रोककर शेयर जरूर कर देना भाई। आप शेयर नहीं करते पता नहीं क्या बात है भाई, आपसे कोई रुपया पैसा थोड़ी मांगा जा रहा है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर दिया करो, इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। और चैनल पर जाकर देखें, बिल्कुल बेसिक जो पढ़ा पढ़ाया है वही पढ़ा रहे हैं, नया कुछ पढ़ाने का है ही नहीं भाई। और जब एग्जाम आता है तो एग्जाम में इधर उधर के क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं ये बाहर से आए हैं, तो बाहर से कुछ नहीं आता, सारा किताबों का ही होता है। कम से कम किताबें पढ़ाएं तो वो पूरी। और आप देखो परेशान मत होना, वीडियो छोटी छोटी बनी हुई है शुरू की, तो क्वांटिटी बढ़ रही है। कभी आपको 101 तो 10-10 मिनट की भी वीडियो है स्टार्टिंग की, आप उन पर भी तो ध्यान दो। तीन तीन वीडियो मर्ज करके अगर देखोगे तो एक एक वीडियो के बराबर है भाई, सही है। तो देखो इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना भाई। देखो सबसे पहले ये एक दो क्वेश्चन हैं, आप याद रखना, मैंने बता भी दिए हैं आपको कि जो हाइड्रोजन है और भारी हाइड्रोजन और ट्राइटियम, इनके खोजकर्ता याद रखना भाई, इनके जो इन्वेंट किया है जिसने, उन्हें जरूर याद रखना। हेनरी कैवेंडिश हम पढ़ चुके हैं, 1766 में इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा ड्यूटेरियम की खोज यूरे ब्रिगबैंड और मर्फी ने मिलकर की थी, और बाद में 1934 में यूरे को इसके लिए क्या मिला था भाई, नोबेल प्राइज भी मिला था। इसके बाद ट्राइटियम की खोज जो की है लॉजियर और ब्लिकने और स्मिथ, इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर की थी 1934 में। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं भाई, इससे संबंधित। देखो ये तो बहुत पूछा जाता है भाई, और यूरे के बारे में भी पूछा जाता है, क्योंकि यूरे ने बाद में 1932 में D2O की खोज भी की थी, तो D2O की वजह से भी इन्हें पूछा जाता है, और इसीलिए 1934 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था भाई। क्लियर है? तो ये बिल्कुल फैक्ट वाली बातें हैं, आप याद रख सकते हैं। अब देखो हमें पढ़ना है मुख्य रूप से हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो देखेंगे देखो बहुत ध्यान से और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है, जो बातें आप अभी तक नहीं जानते थे मैं उन बातों को भी आपको समझाऊंगा। अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं भाई, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो कभी कभी इसका अणुभार भी पूछा जाता है, तो अणुभार अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है, एक। कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं? दो। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और कितने हैं? दो। 16 दूनी 32 और 2 34। तो इसका अणुभार कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार होता है 34। क्लियर है भाई? अब देखो अगर इसके खोजकर्ता की बात करें, इसे इन्वेंट किसने किया था भाई, तो थीनार्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था भाई? थीनार्ड। 1818 में इन्होंने इसे खोजा था। कब खोजा था भाई? 1818 में थीनार्ड ने इसकी खोज की थी। और किस प्रकार से इसे बनाया था, तो याद रखेंगे ये होता है BaO2, बेरियम परऑक्साइड। क्या नाम है भाई इसका? बेरियम परऑक्साइड। तो इन्होंने बेरियम परऑक्साइड पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई, और ये भी कैसा, तनु। तनु और सांद्र आप जानते हैं, अगर आपने सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा है तो आप जानते होंगे भाई, नहीं तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर पढ़े पहले, तो आपको तनु और सांद्र समझ में आ जाएगा। जिसमें विलेय बहुत कम हो और जल, मतलब H2SO4 कम होगा और जल ज्यादा होगा इसमें, तो उसे कहेंगे तनु विलयन। तो देखो जब इन दोनों की इन्होंने अभिक्रिया कराई, तो अभिक्रिया कराने पर यहां से H2 यहां से O2 निकलकर H2O2 बना लिया, बाकी का BaSO4। इसे कहते हैं बेरियम सल्फेट, इसे कहते हैं बेरियम सल्फेट। तो इस प्रकार से मैं आपको पूरी लाइन बोल रहा हूं, बेरियम जो बेरियम परऑक्साइड है उस पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराने के पश्चात इन्होंने किसे प्राप्त किया, हाइड्रोजन परऑक्साइड। लेकिन ये अभिक्रिया बहुत जटिल हुई,
ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा जटिल हुई और बहुत ही परेशानी हुई इस अभिक्रिया को कराने में। फिर इन्होंने एक नया पदार्थ लिया जो बेरियम परोक्साइड था, वो हाइड्रेटेड लिया। कैसा भाई? हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब है इसमें इसमें जो आपके जल के अणु हैं, क्रिस्टलीय जल, वो जुड़े हुए थे। किस प्रकार से? बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, BaO2.8H2O, मतलब डॉट के रूप में क्या जुड़े हुए हैं? क्रिस्टलीय जल, और इसी को कहेंगे हम हाइड्रेटेड बेरियम परोक्साइड। हाइड्रेटेड बेरियम परोक्साइड। और जब इसकी अभिक्रिया H2SO4 से कराई गई तो बहुत ही आसानी से ये दोनों पदार्थ बन गए। और ये अब इसके साथ थोड़ा सा जल भी होगा, क्योंकि जल है ना, तो इस वाली अभिक्रिया में H2O2 किस में घुला हुआ था भाई? जल में घुला हुआ था। तो आपको ये क्रिया समझ में आई भाई? तो आपको डायरेक्ट याद रखना है इन्होंने किससे बनाया था इसे, बेरियम परोक्साइड। और देखो एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि पीछे हमने पढ़ा था ऑक्सीजन पर माइनस के दो चार्ज होते हैं, ऑक्सीजन पर माइनस के दो चार्ज होते हैं और इसे हम कहते हैं ऑक्साइड आयन। क्या कहते हैं भाई? ऑक्साइड आयन। तो देखो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट स्टार्टिंग से पढ़ रहा है मेरी सारी क्लासें, तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली भाई, सही है। और इसके बाद देखो एक आयन और होता है इसका, O2 माइनस के 2, इसे कहते हैं परोक्साइड आयन। क्या कहते हैं भाई? परोक्साइड आयन। क्लियर है भाई? ये है परोक्साइड आयन। और परोक्साइड आयन इसके अतिरिक्त एक आयन और होता है इसका, O2 माइनस वन, यानी कि ऑक्सीजन के दो अणु पर कितना आवेश होगा? एक, इसमें दो था, इसे कहते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। तो इन तीनों आयन को याद रखें भाई, सही है। और हमने यहां पर कौन सा प्रयोग किया है? परोक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन प्रयोग नहीं किया है। आप देख सकते हैं देखो हाइड्रोजन पर कितना आवेश होता है, +K1, और परोक्साइड आयन पर क्या है, -K2। और जब यौगिक बनाने मैंने सिखाए थे आपको कि जब चार्ज आवेश क्या होता है, चेंज होता है, एक दूसरे की क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो H2O2 बनेगा भाई। तो ये H2O2 बना, नहीं तो देखो अभी हाल फिलहाल में एक दो दिन पहले ही या एक दो दिन बाद में क्लास बनाने वाला हूँ 10th के लिए, 10th जो NCERT का विज्ञान चल रहा है इस चैनल पर, उसमें ये चीजें सिखाऊंगा मैं, तो आप उसमें भी देख सकते हैं भाई। नहीं तो स्टार्टिंग में मैंने सिखा रखी है, आप शुरू से वीडियो देखें। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो थीनार्ड ने 1818 में बेरियम परोक्साइड पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराई, और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराने पर इन्हें हाइड्रोजन परोक्साइड प्राप्त हुआ। और इन्होंने बाद में ये कहा भाई हाइड्रोजन परोक्साइड का सूत्र क्या होता है, H2O2 होता है, और इसमें आयन कौन सा होता है भाई, परोक्साइड आयन, और दूसरा हाइड्रोजन आयन। ये लाइनें क्लियर है। फिर इन्होंने बताया ये पाया कहां जाता है भाई, ये तो हमने बना लिया, अरे ये तो आर्टिफिशियली हमने बना लिया भाई, लेकिन नेचर में भी तो कहीं प्रेजेंट होगा या नहीं? नेचर में भी कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होगा। तो यहां से क्वेश्चन आता है, देखो इन्होंने कहा मुख्य रूप से ये पेड़ पौधों में पाया जाता है भाई, मुख्य रूप से पेड़ पौधों में पाया जाता है, और साथ ही साथ वायुमंडल में भी पाया जाता है। कहां पाया जाता है भाई? वायुमंडल में भी पाया जाता है, और वायुमंडल के साथ ये आपका जल में भी, और जल के साथ साथ बर्फ में भी, मतलब लगभग लगभग जहां जहां जल पाया जाता है वहां सभी जगह हाइड्रोजन परोक्साइड पाया जाता। और इन्होंने कहा कि वायु में कहां से आ गया थे, वायुमंडल में कहां से आ गया भाई, जल वायुमंडल में थोड़ी होता है, वायुमंडल में तो जल वाष्प होती है, और जल वाष्प, वाष्पित केवल कौन से कण होते हैं, वाष्पित केवल H2O के कण होते हैं, तो फिर परोक्साइड कहां से पहुंच गया वायुमंडल में? फिर चलो जल में तो मान सकते हैं भाई, लेकिन जल वाष्प में कहां से आ गया? तो इसके लिए एक तर्क दिया गया, वो आप ध्यान से समझे देखो कि वायुमंडल में जो हाइड्रोजन परोक्साइड आया है वो कहां से आया भाई, वायुमंडल में जो हाइड्रोजन परोक्साइड आया है वो आया कहां से? तो इन्होंने ये कहा कि वायुमंडल में जल वाष्प है, वायुमंडल में क्या है भाई, जल वाष्प, और वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है। तो जल वाष्प और ऑक्सीजन पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यूवी अल्ट्रावायलेट
रेज जो होती हैं यूवी, इनकी उपस्थिति में ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के पश्चात वायुमंडल में ही क्या बना लेते हैं, H2O2 बना लेते हैं। तो वायुमंडल में हाइड्रोजन परऑक्साइड के पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज ऑक्सीजन पर अभिक्रिया के माध्यम से जल वाष्प से अभिक्रिया करती हैं और क्या बना लेती हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लेती हैं। क्लियर है भाई। अगर इसकी हम प्रकृति की बात करें कि हाइड्रोजन परऑक्साइड होता कैसा है, सही है, तो ये बिल्कुल गंधहीन होता है। कैसा होता है भाई, गंधहीन होता है लेकिन हल्के नीले कलर का होता है, हल्के, क्योंकि जल का रंग भी तो नीला ही है भाई, हम ट्रांसपेरेंट कह देते हैं, लेकिन पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट होती है वो उससे रिफ्लेक्ट कौन सी किरणें करती हैं, नीली, तो इसीलिए हल्के नीले रंग का होता है ये, गंधहीन होता है और गाढ़ा द्रव होता है। कैसा? गाढ़ा द्रव होता है। अगर सांद्र, अगर कंसंट्रेट हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया जाए जिसमें केवल H2O2 के ही कण हों, तो वह त्वचा पर, आप ऐसे लिखें पूरी लाइन की, सांद्र H2O2 त्वचा पर फफोले डाल देता है। क्या डाल देता है भाई? फफोले, यानी कि त्वचा को जला देता है, जैसे एसिड जला देते हैं नहीं, बिल्कुल वैसे ही ये त्वचा को जला देता है। लेकिन एक प्रमुख गुण और है इसके अपोजिट, फिर आपको देखो अजीब सा लगेगा अभी, कि ये एक प्रकार का कीटनाशी होता है, एक प्रकार का कीटनाशी भी होता है, जर्मनाशी भी होता है, जर्मनाशी भी होता है, और साथ ही साथ एंटीबायोटिक भी होता है। कैसा होता है भाई? एंटीबायोटिक भी होता है। और इन गुणों के कारण इसका प्रयोग, जैसे डिटॉल एंटीबायोटिक होता है भाई, घाव को साफ करने में, धोने में उसका प्रयोग करते हैं, बिल्कुल वैसा ही ये होता है, सही है। तो इसका प्रयोग हम मुख्य रूप से घाव को साफ करने में करते हैं, सही है। घाव को साफ करने के साथ साथ कान, दांत और गलारा, और गलारा आदि करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपको लगेगा कि सर इससे तो त्वचा पर लगने से फफोले पड़ रहे थे, तो फिर इतनी सारी चीजें कैसे की जा सकती हैं इससे? तो आप ध्यान रखें, ये मैंने सांद्र विलयन बताया है, सही है, लेकिन इन सारे कामों में इसका अति तनु विलयन काम में आता है। कैसा? अति तनु विलयन, मतलब जिसमें जल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर डॉक्टर्स आपको बैक्टीरिया से बचने के लिए डिटॉल से नहाने की सलाह देते हैं, तो आप क्या पूरी बोतल से थोड़ी नहाते हैं भाई, आप पानी में एक या दो बूंद क्या डालते हैं, डिटॉल। तो एक या दो बूंद उस पूरे पानी में गिरने के बाद क्या उसका कोई औचित्य रह जाता है? केवल वो बैक्टीरिया को मार देता है, लेकिन उसको वो इतना घातक नहीं होता। तो बिल्कुल वही कहानी इसकी भी है। क्लियर है? तो आप याद रखना इस बात के लिए। और एक बात याद रखेंगे, H2O2 में जल की तरह, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। किसकी तरह भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो इसका भी संगुणन होगा भाई। तो याद रखना, ये जल की तरह एक संगुणित, कैसा है भाई? संगुणित द्रव है, और जल से ज्यादा संगुणन होता है इसका, जल से ज्यादा संगुणन होता है। संगुणन मैंने आपको समझाया था कि कई सारे कण इसके आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और एक बड़े कण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भाई? एक बड़े कण का निर्माण करते हैं। तो उसी चीज की बात हो रही है ये। क्लियर है? याद रखेंगे। और जिस प्रकार से जल एक विलायक के रूप में प्रयोग होता है, जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं भाई, सर्वात्रिक विलायक। क्यों? क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आप एक बात सुनकर हैरान हो जाएंगे भाई, कि जो H2O2 होता है उसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक जल से भी ज्यादा होता है, उसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक जल से भी ज्यादा होता है, यानी कि जल से भी ज्यादा चीजें इसमें घुल सकती हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है, उसके कारण सारी चीजें खराब हो जाती हैं, कि ये एक स्थायी यौगिक नहीं है। ये कैसा है भाई? अस्थायी। कैसा यौगिक है? अस्थायी। अगर इस पर थोड़ी सी ऊष्मा दी जाए तो ये तुरंत ही H2O और O2 में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? H2O O2 में। तो आप याद रखेंगे
जल से ज्यादा इसका डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक है, लेकिन इसमें अधिकांश चीजें नहीं घुलती हैं। क्यों नहीं घुलती हैं? क्योंकि ये एक अस्थायी यौगिक है और इसका शीघ्र ही अपघटन हो जाता है। और कुछ पदार्थ हैं जिनमें ये घुल जाता है, ये खुद जल में घुल जाता है, ईथर में घुल जाता है, एल्कोहल में घुल जाता है। तो इस प्रकार के कुछ पदार्थ हैं जिनमें इसे घोला जा सकता है, यानी कि डिसॉल्व किया जा सकता है। जल में आपको पता ही नहीं चलेगा ये डिसॉल्व हो जाएगा, ईथर में डिसॉल्व हो जाएगा, एल्कोहल में डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि घुल जाएगा। ये लाइनें क्लियर हो रही हैं भाई आपको? और देखो बहुत सारी बातें हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड से आपके समझने के लिए, तो देखो हम एक एक करके पढ़ते हैं भाई। बताओ यहां तक तो क्लियर है आप सभी को? इतना क्लियर है भाई? आगे पढ़े और देखो, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आपसे पूछी जाती है हाइड्रोजन परऑक्साइड से संबंधित, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, सही है, इसमें हाइड्रोजन कैसे जुड़े होते हैं? तो याद रखना, देखो इसमें संरचना इस प्रकार की होती है। कैसी संरचना होती है? ये कहलाता है परऑक्साइड बॉन्ड। क्या कहलाता है भाई? परऑक्साइड बॉन्ड यानी कि बंध। तो आप याद रखना, इसमें दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे से एक सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, और दोनों कॉर्नर पर क्या होती है? हाइड्रोजन। दोनों कॉर्नर पर क्या होती है भाई? हाइड्रोजन। और एक इसका प्रमुख गुण है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक प्रमुख गुण है कि यह ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य करता है। सामान्यतः पदार्थ या तो ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करेंगे या अपचायक के, लेकिन इसका एक प्रमुख गुण है कि यह ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य करेगा और अपचायक के रूप में भी। मैंने ऑक्सीकरण और अपचयन वाला चैप्टर आपको पढ़ाया है भाई कि ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीकृत कर देते हैं, सही है? तो ये दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत भी कर देता है, और अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरों को अपचयित कर देते हैं, तो ये दूसरे पदार्थों को अपचयित भी कर देता है। क्लियर है भाई? और इसका ये जो ऑक्सीकारक गुण है, इस गुण के कारण इसमें एक प्रमुख प्रॉपर्टी पाई जाती है व्रंजक की। तो ये व्रंजक का कार्य भी करता है। इसमें कौन सा गुण होता है भाई? व्रंजक का गुण। व्रंजक का गुण क्या होता है आप समझें? व्रंजक का गुण किसी भी पदार्थ का दूसरे पदार्थ के रंग उड़ाने की क्रिया को, रंग उड़ाने की क्रिया को व्रंजक का गुण कहते हैं। जैसे ये जो है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, जैसे हाथी का दांत हुआ आपका, जैसे रेशम, जैसे ऊन, जैसे हेयर होते हैं, बाल होते हैं भाई। आप डाई कराने कभी गए होंगे बालों पर, तो बालों पर डाई करने से पहले वो कुछ लगाता है, तो उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड मिला होता है। पहले आपके बालों के काले रंग को उड़ाया जाता है, काले रंग के ऊपर रंग नहीं चढ़ता, काले रंग को हटाया जाता है, फिर दूसरा रंग चढ़ता है। तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं भाई? मुख्य रूप से हाइड्रोजन परऑक्साइड का, या फिर हम प्रयोग करते हैं उसमें ओजोन का। तो वो अलग अलग कंडीशन में होता है भाई कि ये मुख्य रूप से हाथी के दांत, रेशम, ऊन, बाल या फिर कोई तिनका हो, इन सभी के रंग को उड़ा देता है, मतलब रंगहीन बना देता है। कैसा बना देता है? रंगहीन। देखो ऑक्सीकारक गुण कैसा होता है इसका, आप समझे, H2O2 ये टूटता है H2O प्लस ऑक्सीजन, और ये होती है नवजात ऑक्सीजन। कैसी होती है भाई? नवजात ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन के रूप, सही है, जिस प्रकार से हाइड्रोजन के रूप बताए थे उसी प्रकार से ऑक्सीजन के रूप भी होते हैं। और ये जो है आपकी नवजात ऑक्सीजन, ये क्या करती है भाई? रंगीन वस्तुओं से अभिक्रिया करती है, और अभिक्रिया करने के बाद उनका क्या कर देती है? व्रंजन। और व्रंजन करने के बाद वो कैसी हो जाती है? रंगहीन। कैसी हो जाती है? रंगहीन हो जाती है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। और देखो एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, बालों की ब्लीचिंग करने में भी इसका प्रयोग होता है। बालों की ब्लीचिंग करने में भी इसका प्रयोग, आपने ऑयल पेंटिंग का नाम सुना होगा, तेल चित्र, जिसमें चित्रों को किससे बनाया जाता है भाई?
तेलों से बनाया जाता है। तो अगर आपने पढ़ा है तेल चित्रों के बारे में तो आपको ये भी पता होगा भाई, जो तेल चित्र होते हैं वो समय के साथ साथ काले पड़ते जाते हैं। वो जैसे चांदी समय के साथ साथ काला होता जाता है भाई, बिल्कुल उसी प्रकार से जो ऑयल पेंटिंग होती हैं वो समय के साथ साथ काली पड़ती जाती हैं। तो उन्हें उभारने के लिए और चमकाने के लिए जो तेल चित्र होते हैं उन्हें उभारने और चमकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भाई हम? H2O2 का। कैसे? आप समझें, जो तेल चित्र होते हैं उसमें लेड होता है, सही है, और लेड वायु के H2S से अभिक्रिया करता है। वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है और उससे अभिक्रिया करके PbS बनता है भाई, ये होता है लेड सल्फाइड। इसे क्या बोलोगे आप? लेड सल्फाइड। और ये बिल्कुल काले रंग का होता है। कैसा होता है? काले रंग का। तो जैसे ही ऑयल पेंटिंग पर ये बनता है, जैसे ही ऑयल पेंटिंग पर लेड सल्फाइड बनता है उसका रंग काला पड़ने लगता है, तो उस काले रंग को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? H2O2 का। और जैसे ही आप H2O2 का प्रयोग करते हैं PbS उसे अभिक्रिया कर लेता है और PbSO4 बना लेता है और ये सफेद रंग का होता है, सही है। तो इस प्रकार से जो काले रंग का लेड सल्फाइड है वो सफेद रंग के लेड सल्फेट में बदल जाता है और आपके तेल चित्र कैसे होते हैं भाई? चमकने लगते हैं। क्या होते हैं? चमकने लगते हैं। ये वाली लाइन क्लियर हुई या नहीं हुई भाई? क्लियर है बिल्कुल? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई कैसी लगी ये चीजें, बहुत अच्छी और नॉलेजेबल चीजें हैं। और देखेंगे, देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग, जैसे दूध हुआ आपका, सही है, जो मिल्क फैक्ट्री होती है या फिर जो आपकी वाइन फैक्ट्री होती है, जैसे शराब हुई आपकी, तो इनमें परिरक्षण के रूप में भी प्रयोग में होता है। किसके रूप में? परिरक्षण। और परिरक्षण आप जानते होंगे कंजर्वेशन भाई, परिरक्षण। जैसे फ्रिज में दूध रखने के बाद बहुत लंबे समय तक गर्मियों के दिनों में खराब नहीं होता है, तो फ्रिज उसके लिए परिरक्षक का कार्य करता है। किसका? परिरक्षक या परिरक्षण का कार्य करता है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से यदि हाइड्रोजन परऑक्साइड में आप किसे रखें? तेल को या शराब को, मतलब उसके चारों ओर सतह बनाकर, तो वो भी दूध और शराब को खराब होने नहीं देता है, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी भाई बहुत अच्छी तरह से कि दूध और शराब के परिरक्षण के रूप में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका, हाइड्रोजन परऑक्साइड का। और देखो एक इंपॉर्टेंट इसका उपयोग है, इसका जो उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से जो पनडुब्बी होती है भाई, या टारपीडो जो होती है, टारपीडो या फिर रॉकेट जो होता है, सही है, इस प्रकार के जो यान होते हैं इनमें ईंधन के रूप में भी किया जाता है। किसके? फ्यूल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। इसके अपघटन से, देखो H2O2, इसके अपघटन से कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन। तो याद रखना, इसका प्रयोग रॉकेट हो, पनडुब्बी हो, टारपीडो हो, इनमें मुख्य रूप से किसके रूप में किया जाता है भाई? मुख्य रूप से ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और एक अच्छा ईंधन इसे समझा जाता है, तो आप इतनी बात क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं? क्लियर है भाई? बहुत आसान शब्दों में और बहुत धीरे धीरे मैं आपको समझा रहा हूं भाई, चीजें बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आनी चाहिए। और देखो क्या क्या हम इससे पढ़ सकते हैं भाई, मुख्य रूप से देखेंगे, देखो इसके बारे में और क्या क्या है। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड की हम बात करें, सही है, तो जनरली यही चीजें आपसे पूछी जाती हैं, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है भाई, जो आपकी हाइड्रोजन, देखो मैंने आपको ये सूत्र ही तो बताया, तो ये मुख्य रूप से HOO इस प्रकार का सूत्र होता है, मतलब इसकी जो संरचना होती है इस प्रकार से होती है, और इसमें ये जो एंगल है ये 97 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 97। तो आप याद रखेंगे
दो यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य, इसे बंध कोण कहते हैं, बॉन्ड एंगल, बंध कोण। वैसे शायद इतना ज्यादा डीपली आपसे पूछा नहीं जाए तो आप छोड़ सकते हैं इस बात को, जो पीछे हमने चीजें पढ़ी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं भाई, पूछी जाती हैं वहां से क्वेश्चन, कई बार पूछे गए हैं अब तक। याद रखना हाइड्रोजन परऑक्साइड एक अस्थायी यौगिक है, गर्म करने पर इसका अपघटन हो जाता है, ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में इसका प्रयोग होता है, साथ ही साथ व्रंजक का भी कार्य करता है, दूसरी वस्तुओं के रंग उड़ाने का भी कार्य करता है। तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं भाई, और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट को इन चीजों का लाभ मिल सके और लॉकडाउन में बच्चे ज्यादा परेशान नहीं हो। सही है भाई, अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो राइट साइड में आपको एक बेल आइकन वो दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर का बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर क्लिक करें तो रेड कलर खत्म हो जाएगा, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। और हम इस चैनल पर 9th से लेकर 12th के साइंस को भी पढ़ा रहे हैं भाई, अगर आपकी जानकारी में या नॉलेज में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 9th से 12th के बीच में पढ़ता है तो आप उसको भी इस चैनल की जानकारी दे सकते हैं ताकि उसका प्रॉफिट हो। धन्यवाद।